हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के सेक्शन सी की सीरीज में अगला चैप्टर शामिल करेंगे। पिछली बार हमने लामार्क और डार्विन के बारे में चर्चा की थी, जो कि एवोल्यूशन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसी क्रम में अब हम नया चैप्टर की बात करेंगे और इसी के अंतर्गत इसमें नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वरण इसको हिंदी में कहते हैं, ये प्राकृतिक वरण एक तरह से इवोल्यूशनरी फोर्स है, उद्विकासीय बल माना जाता है। और डार्विन के अनुसार किसी वातावरण में अगर वो निवास करने वाले जंतुओं में से भली भांति अनुकूलित जंतुओं को वातावरण प्रोत्साहित करता है, मोटिवेटेड करता है। कहने का ये मतलब है कि किसी भी वातावरण में अगर कोई जंतु एडेप्टेशन को भली भांति परिचित रहता है, एडेप्टेशन को एडेप्ट कर लेता है, तो उन अनुकूलित जंतुओं को, एडेप्टेड जो एनिमल्स हैं, जो उस वातावरण, उस प्रकृति के प्रति जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ढल गए हैं, उनको वातावरण प्रोत्साहित करता है। इसके परिणाम स्वरूप जैव समिष्टि में, यानी कि पॉपुलेशन में, इसकी संख्या बढ़ती जाती है और इसी क्रिया को हम प्राकृतिक वरण का नाम देते हैं। एक्चुअली बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है एवोल्यूशन की। नई जातियों के विकास के क्रम में ये एक अच्छा एक कहना चाहिए इसको, इवोल्यूशनरी पॉइंट है। और इस नेचुरल सिलेक्शन से ही आगे जाकर के नई जाति का विकास होता है और इससे धीरे 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 करके हमारी जो प्राकृतिक जो व्यवस्था है, एनिमल्स की जो व्यवस्था है, वो अभी तक बरकरार है और क्रमशः, लगातार क्रम से, अनवरत रूप से ये चेंजेस, ये परिवर्तन जीवों में आ रहे हैं। नए लक्षणों का प्रादुर्भाव लगातार हो रहा है और इन्हीं लक्षणों की वजह से इवोल्यूशन लगातार हो रहा है और इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, वो अभी तक नए नए बदलाव के साथ काम कर रहे हैं। प्राकृतिक वरण को कारक के रूप में डार्विन ने प्रस्तुत किया तथा उन्होंने बताया कि वातावरण जीवन संघर्ष में चयन बल कार्य करता है। चयन बल, ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, चयन बल। चयन बल का मतलब सिलेक्शन फोर्स के नाम से कहते हैं इसको। अर्थात कम उपयुक्त जंतु वातावरण से हटा दिए जाते हैं और वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। केवल वे ही प्राणी जीवित रहते हैं जो सर्वथा जीवित रहने के लिए उपयुक्त हैं। अर्थात आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक वरण जीनी विकार तथा उसकी उत्तर जीविता की योग्यता पर निर्भर करता है। जीन कैसे हैं, जीन के आधार पर आगे की व्यवस्था तय होती है। और नेचुरल सिलेक्शन की बात हम अगर करेंगे तो वो जीन से होकर के गुजरेगी। जीन की बात के बिना प्राकृतिक वरण आधुनिक कंसेप्ट के रूप में अधूरा है। इसका आशय ये हुआ, इसका मूल रूप से अर्थ ये हुआ कि कम उपयुक्त यानी कि कम एडेप्टेड जंतु जो हैं, वो वातावरण से हटा दिए जाते हैं और वो निश्चित ही उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर वातावरण में ढल नहीं पाते और केवल वे प्राणी जीवित रहते हैं जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त और जीवित रहने के लिए अनुकूलित हैं। अर्थात इसमें जीनी जो विकार है, जीन का जो प्रकार है, जीन की जो व्यवस्था है, जीन के जो लक्षण हैं, जीन में कोई अगर खराबी आती है
या और इसकी उत्तरजीविता की योग्यता पर निर्भर करता है कि जीन कितना आगे चल पाता है, जीन पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक कितना हो पाता है, इस बात पर निर्भर करता है कि सर्वाइव कितना होता है वो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऑफ द जीन एक्चुअली इसको कहना चाहिए। तो ये सर्वाइवल ऑफ द जीन की बात हो गई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऑफ जीन की बात हो गई। तो जीन जहाँ आगे जाएगा, क्योंकि मेन जो कड़ी है वो जीनों में ही गुण संचित होते हैं और उन्हीं गुणों के आधार पर नई जाति का विकास होता है। प्राकृतिक वर्ण एक प्रकार का विभेदी प्रजनन है। विभेदी का मतलब क्या होता है इसमें? विभेदी प्रजनन से नई उत्पन्न होने वाली संतानों में अलग अलग जीनी प्रकार और संरचनाएं उत्पन्न होंगी जो आनुवंशिक साम्यवस्था को प्रतिस्थापित करेंगी। कहने का ये मतलब है कि अलग अलग जातियों से विभिन्न विभिन्न स्ट्रेन के जो जंतु हैं, चाहे एक ही जाति के हों लेकिन अलग अलग स्ट्रेन के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जीन वाले जंतु, एक ही जाति के अलग अलग जीन वाले जंतु जिनमें डिफरेंट टाइप्स के लक्षण और प्रकार हों, वो प्रजनन करेंगे तो नई जाति, नई संतान उत्पन्न होंगी। जो आनुवंशिक साम्यवस्था को प्रतिस्थापित करेंगी और जो आनुवंशिक व्यवस्था है उसको, साम्यवस्था को क्या करेंगे, वो चेंज करेंगे। ऐसे ही विभेदक प्रजनन अर्थात प्राकृतिक चयन का अत्यंत सामान्य अर्थ है किसी समुदाय में किसी सदस्यों में अन्य से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता। किसी समुदाय में किन्हीं सदस्यों में अन्य से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता भी होती है, अतः ये समष्टि में जीनों के अधिक प्रतिशत का योगदान करेंगे। इनमें ज़्यादा प्रतिशत योगदान होगा क्योंकि जो ज़्यादा संतान उत्पन्न करेगा उनका जो प्रतिशत होगा, उनका जो योगदान होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, उस पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा होगा। अतः इस प्रकार का विभेदन प्रजनन अनुक्रमिक रूप से पीढ़ियों में विधिवत चलता रहेगा तो उस समुदाय में कुल सदस्यों की संख्या में अधिक योगदान करेंगे। तो अब ये कह सकते हैं कि अलग अलग विभेदक प्रजनन जो होता है वो पीढ़ियों से विकसित चलता रहेगा और समुदाय में कुल सदस्यों की संख्या में अधिक योगदान करेंगे। अंततः बहुप्रजनक की जीव किसी समुदाय के जीन संचय में प्रबल हो जाएगी जो प्राकृतिक वर्ण को प्रोत्साहित करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो ज़्यादा प्रजनन करने वाले हैं, बहुप्रजनक हैं, वो जीव किसी समुदाय के जीन संचय में, जो क्यूमुलेटिव जीन का जो एक तरह से रेशो है वहाँ जीन का, जो संचय जीन जिसको कहते हैं अपन, सारे जीवों के जीनों का अगर योग करें तो वो कुल जीन संचय में प्रबल हो जाएगी जो प्राकृतिक वर्ण को प्रोत्साहित करता है। तीसरा जो पॉइंट अपन बात करें तो इसमें प्राकृतिक वर्ण आने वाली पीढ़ी में उन जीनी प्रकारों को प्रेरित करता है। प्राकृतिक वर्ण आने वाली पीढ़ी में उन जीनी प्रकारों को, जीन के जो टाइप्स हैं उनको प्रेरित करता है जो विभेदी प्रकार उत्पन्न करते हैं। यानी प्राकृतिक वर्ण क्या होता है कि आने वाली जो पीढ़ी है उसमें विभिन्न प्रकार के टाइप्स ऑफ जीन्स को प्रेरित करता है। डिफरेंट टाइप्स के जीन आएंगे तभी तो आगे जाकर के विभेदी प्रकार बनेंगे, डिफरेंशिएट होंगे वो, और उस प्रकार विभेदी प्रकार उत्पन्न करने की प्रक्रिया को विभेदी जनन कहते हैं। तो विभेदी जो जनन है, विभेदी जनन का मतलब अलग अलग प्रकार के जीनों से बने हुए जीव, उनमें विभेदी लक्षण होंगे और विभेदी लक्षण होने से वो अलग प्रकार के दिखाई देंगे और अलग लक्षण होंगे तो उससे अलग जाति बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो विभेदी जो प्रक्रिया है वो भी अपने आप में एक नेचुरल सिलेक्शन की
को प्रोत्साहित या मोटिवेशन करने की प्रक्रिया है। तो ये दोनों तीनों जो प्रकार हैं वो नेचुरल सिलेक्शन को और मोटिवेशन देने का प्रयास करते हैं, जिससे नई जाति का विकास हो सके। बच्चों, बीएससी फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस हैं उसमें जो हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक का उपयोग करें और इन नोट्सों को आप बनाएं। नोट्स बना रहे होंगे, इसमें हम साथ साथ पीडीएफ भी डाल रहे हैं, तो इस प्रकार इसका आप लाभ लें। थैंक यू।